एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट में क्यों जा रही हूँ मैं भी आप लोग को बता दूंगी। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और अभी शाम के 5 बज रहा है और आज है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह 6:00 से है, तो अभी तो 5 बज रहा है। मुझे जाते कुछ टाइम लगेगा। ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, घर के पास में ही सब कुछ मिल जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पर मैं आप लोग को दिखाऊंगी नहीं अभी मैं कि क्या क्या लेकर आई हूँ। जब मैं पूजा करूँगी उस टाइम आप लोग देख लीजिएगा, उस टाइम सब कुछ मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या मैं लेकर मार्केट से आई हूँ। तो बस मुझे तुलसी माता का श्रृंगार का सामान लेने जाना है और कुछ नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मार्केट में मैं मोबाइल लेकर नहीं जाऊँगी, क्योंकि चार्ज नहीं है मोबाइल। बस मैं जल्दी जाऊँगी और जल्दी ही आऊँगी। जब मैं आ जाऊँगी, रेडी वेडी हो जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए करते हैं। अभी शाम के 6:20 हो रहे हैं और मैं आई हूँ तुलसी माता की पूजा करने। देखिए, पूजा मतलब शादी करने की। देखिए, मैं लाइट ऑन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। धब्बा धब्बा मुझे दिख रहा है और मैंने आज ये साड़ी पहनी है। बहुत दिनों के बाद मैंने ये साड़ी पहनी है। बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। आप लोग देख लीजिए कि मैं क्या क्या। तो तुलसी माता के विवाह में क्या क्या लगता है वो सब चीज़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ श्रृंगार का सामान लिया है और ये कुछ पूजा के सामान है इसमें। और मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान को भी स्थापित कर दिया है और गणेश भगवान को भी। तो मेरी तुलसी माता और विष्णु भगवान की शादी हो गई, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैंने इनका शादी कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने गणेश भगवान की पूजा की, फिर मैंने विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा की। इसी तरह से मुझे उतना पता भी नहीं है कि शादी कैसे करते हैं। मैंने पूछ के सब कुछ किया है, क्योंकि मायके में जब मैं थी तो वहाँ पे मम्मी पूजा करती थी और ससुराल में सासू माँ पूजा करती हैं। तो मैं ज़्यादा देखती भी नहीं थी कि कैसे पूजा करते हैं, तो मुझे उतना पता भी नहीं कि कैसे करना चाहिए। पर मैंने सब कुछ पूछ के अच्छे से किया। अगर कुछ गलती हो तो भगवान मुझे माफ़ करें। आप लोग तुलसी विवाह कब किए थे आप लोग मुझे कमेंट में बताना। कितने लोग 3 को भी किए थे और कितने 4 को भी किए थे, पर मैं 5 को कर रही हूँ। और कितने ये भी बोल रहे हैं कि पूर्णिमा को भी होता है। तो मैंने तुलसी माता की शादी कर दी और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। बालकनी में पूजा कर रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आज बहुत यहाँ पे गर्मी है और पंखा भी नहीं चला। अभी भी मैं पंखा नहीं चला रही हूँ, क्योंकि जब पंखा चलाऊँगी तो मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए मैं पंखा नहीं चला रही हूँ। अभी बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना मैं बनाऊँगी खीर पूड़ी और चना की सब्ज़ी। और मैं सोच रही एक और सब्जी बनाऊं, पर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी 8 बज रहा है। बनाते बनाते टाइम हो जाएगा ज़्यादा, और हम लोग 9:30 तक या 10 तक खा लेते हैं, देखते हैं। ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो इतना ही बनाऊंगी। और आज मैंने साड़ी पहना है, ये देखिए। मुझे साड़ी अच्छे से पहनने नहीं आती, पर जैसे भी आता है मैंने आज पहना है, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ये तो चलेगा, कैसे भी पहनना चलता है। घर बाहर जाने का होता है तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, पर अभी ठीक है। तो मैं खाना वाना खा के आ गई हूँ बालकनी में। तो मैंने देखा कि पूरा रंगोली ख़राब हो गया है, और ये रंगोली मेरे से ही ख़राब हो गया है। मैं बार बार आ रही थी जा रही थी, तो और अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ। तो यहाँ पे पूरे दिए बंद है, बस 2 दिए जल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। देखते हैं कब तक ये दिया जलता है, जब तक जलेगा जलेगा। और आज मैं पूरी रात ये लाइट बंद नहीं करूँगी, जलते हुए छोड़ दूँगी। और कल संडे है, तो हम यहाँ से विष्णु भगवान को हटा भी नहीं सकते, तो संडे तक हमारा पूजा होगा। तुलसी विवाह का वीडियो मैं अच्छे से नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था और मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत। और मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील भी बनाया है, तो अगर आप लोग को देखना है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगी, आप लोग जाके वहाँ पे देखना और मुझे फॉलो भी कर लेना।